सवाल नंबर 11 है, ये भी एक बहन का सवाल है। फर्ज नमाजों से कबली सुन्नतें जैसे जुहर की 4 रकत होती हैं, क्या वो 4 रकतें एक ही तशहुद के साथ एक साथ अदा की जाएं या 2-2 रकत करके अदा की जाएं? सुन्नत का सही तरीका क्या है? बराए मेहरबानी रहनुमाई कीजिए। जुहर से पहले की 4 रकतें 2-2 रकत से अदा करना बेहतर, यानी 2-2 रकत पर सलाम कर फिरना, ये बेहतर है, गर्चे के जवाज 4 का भी है। बेहतर है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलातुल लैल व नहार मसना मसना। ये व नहार किन्ने उलमा का इख्तिलाफ है कि या व नहार शाज है या ये कि ज़ियादत सिका में से है। शेख अल्बानी ने इसे ज़ियादत सिका में से माना है और इसकी तसीह की है। तो इसलिए सलातुल लैल व नहार मसना मसना का तकादा है कि 2-2 रकत पढ़ना अवला है। अलबत्ता जवाज के सभी कायल हैं कि अगर 4 रकत एक साथ भी अदा की जाए तो सही है। हाँ, इस सिलसिले में एक हदीस वारिद है कि 4 रकत जोहर से पहले 4 रकत पढ़े बगैर तस्लीम के, यानी 2 रकत पर सलाम ना फेरे, तो तुफ्तहु अबवाबु समा, कि उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये हदीस सही नहीं है, ये हदीस सही नहीं है, हदीस ज़ईफ़ है। तो इसलिए उस हदीस पर अमल करते हुए बाज़ लोग को हमने देखा 4 रकत बगैर तस्लीम के पढ़ते हैं इस फजीलत को हासिल करने के लिए, मगर हदीस ज़ईफ़ है। इसलिए इमाम बुखारी के यहाँ बाब है, बाब मा जा फी तत्वे मसना मसना, के तत्व मुतरकन 2-2 रकत पढ़ी जाएगी, खा दिन हो या रात। और उसके सिलसिले में इमाम बुखारी ने मुतअद्दिद अहादीस नकल किए हैं कि दिन में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-2 रकत ही अदा किए हैं। तो बहरहाल जवाब से तो किसी को इनकार नहीं है, हमने किसी का इनकार नहीं देखा है कि 4 रकत एक सलाम के साथ अदा की जा सकती हैं, मगर औला जमहूर के नज़दीक यही है कि हर 2 रकत पर सलाम फेरा जाए।